रोल ऑफ़ पेरेंट्स सिबलिंगस एंड पीयर इन द डिपमेंट ऑफ लैंग्वेज ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से पेरेंट्स बहन भाइयों सिबलिंग्स और साथियों के रोल की बात करनी है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड पीयर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिवेलमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड दे इंटरक्ट ईच अदर एंड दे टॉक टू इच अदर दे गाइड एंड दे वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं और इस तरह उनकी लैंग्वेज बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनका अहम किरदार अदा करता है क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो उसके साथ एक तरह से सारा घर बिज़ी होता है वालदान बहन भाई और फिर जब ज़रा बड़ा होता है तो उसके साथ ही हम और पेयर्स उसके साथ गुफ्तु में बातचीत में वो बिज़ी होते हैं जैसे पेरेंट्स स्पीक कवर योर माउथ With you when you sneeze or cough, listen, keep य हैंड्स टू योर सेल्फ से प्लीज़ एंड थैंक यू शेयर तो यानी इस तरह की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो वालदान जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं और जो बड़े भी हैं वो भी बच्चों को सिखाते हैं तो इस तरह बच्चे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और वो बेहतर अंदाज से लैंग्वेज सीखते हैं पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन डिवेल्प लैंग्वेज बाई टॉकिंग टू दैम वो उनके साथ बातचीत करके उनको उनकी लैंग्वेज डिवेल्प uh, कर सकते हैं मसला वट आर दे सींग वो क्या देख रहे हैं वट आर दे डूइंग वो क्या कर रहे हैं एंड हाउ दे फील वो क्या महसूस कर रहे हैं सो बाई टोकिंग विद द देयर चिल्ड्रेन एंड इंटरक्टिंग विद दैम दे कैन डिवेल्प दियर लैंग्वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन तो इस तरह उनसे बातचीत करके उनके साथ इंटरेक्ट करके वो मुख्तफ फ़िक्रे उनके साथ बोल के मुख्त कैफ़िया या मुख्तफ़ चीज़ों को उनके बारे उनके साथ शेयर करके वो उनकी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं स्टडीज सजेस्ट दट ओल्डर सिबलिंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बोथ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज इन्वायरमेंट यानी लैंग्वेज के इन्वामेंट की डेवलपमेंट में और लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो बड़े बहन भाई होते हैं उनका भी बहुत गहरा रोल है और बहुत सी स्टडीज़ इसको फेवर करती हैं और इसके बारे में बताती हैं ख़ास तौर पर वो बच्चे जो दो ज़बानें एक साथ बोलते हैं पीयर्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन जो पीयर्स हैं यानी साथी उसके हम जोली जो हैं वो भी बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और वो अपने पियर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना एक दूसरे को जोक करना या एक दूसरे से उनकी बात बात सुनना उनकी नकल करना इस तरह की चीज़ें वो बहुत वो बच्चे उनसे एक दूसरे से सीखते हैं और बाई प्लेइंग विद दम एंड एंगेजिंग इन सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इंगेज करते हुए और जो मतलब किस्म की खेल या और कुछ इस तरह की चीज़ें जो जैसे कि बर्थडेज़ हो गई या इस तरह की गैदरिंग्स में भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं इनको डिटेल के साथ अब सबसे पहले देखते हैं कि पेरेंट्स का रोल क्या है सो पेरेंट्स प्ले अक्रूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर चाइल्ड्स लैंग्वेज स्किल्स तो बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से वालदे का किरदार जो है सबसे गहरा है तो मुझे चूँकि फारन में जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल और कुछ फैमिलीज़ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया तो मुझे वहाँ मैंने देखा कि जो बिल्कुल इब्तदा में बच्चे वो सबसे पहले बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं वो बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग की तरफ लाते हैं मसलन स्कूल की तरफ से उसको वीकली एक बुक दे दी दी जाती और ये इंस्ट्रक्शन दी जाती वालदा को या वालद को कि वो उसके साथ बातचीत करें और उससे मतलब उसको एक वो स्टोरीज़ की शक्ल में हो सकती है या कुछ इस तरह की जैसे जैसा लेवल बच्चे का होता उसके मुताबिक बुक्स होती थी सो दे आर फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल्स फॉर देयर चिल्ड्रन तो बच्चे चूंके वालदे के जो वालदे हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं मॉडल होते हैं और प्रोवाइडिंग एक्सपोजर्स टू साउंड वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ़ देयर नेटिव लैंग्वेज तो uh, अब डिफरेंट ये देखें आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको मुख्त जो इंस्ट्रक्शन या बातें नज़र आ रही हैं मैं कुछ पढ़ता हूँ इज़ माई चाइल्ड क्रिएटिव इज माई चाइल्ड ईजीली डिस्ट्रैक्ट इज़ माई चाइल्ड इन अट पैसिव यानी ये चीज़ें वो देखते हैं कि क्या बच्चे के करैक्ट्रिस्टिक्स हैं जिसके मुताबिक उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से स्ट्रेटी बनानी पड़ेगी इज़ माई चाइल्ड सेंसिटिव इज़ माई चाइल्ड वेरी एक्टिव सो डज़ माई चाइल्ड बिकम anxious आर स्ट्रेस्ड तो ये बच्चों की प्रैक्टिस एक्चुअली जब भी याद रखें कि बच्चों की लैंग्वेज अगर आपने डेवलप करना शुरू कर दी है तो अपने बच्चों की हैबिट्स को स्टडी करें उनकी फीलिंग्स को स्टडी करें और उसके मुताबिक फिर अपनी चीज़ें जो अपना अमल बनाएं और वालदा इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है पेरेंट्स कैन सपोर्ट लैंग्वेज डिवेलपमेंट बाई टॉकिंग एंड रीडिंग टू देर चिल्ड्रेन बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी बुक्स या सुना कर या रीडिंग करके और रिस्पॉन्डिंग टू देयर लैंग्वेज अटैम्प्ट उनकी जो बच्चों की जो लैंग्वेज अटैम्प्ट उनको रिस्पोंड करना उनको बताना उनके बारे में और एंड क्रिएटिंग आ लैंग्वेज रिच इन्वायॉर्मेंट एट होम और घर पर एक लैंग्वेज सिखाने का बहुत अच्छा और रिच इन्वायरमेंट बनाना जिसके सामने मसलन देखें बच्चों के सामने आप अच्छे मैनर्स के साथ अच्छे अंदाज़ के साथ बात करें और बच्चों के सामने कोई उनको मसलन उल्टे नामों से नहीं बुलाएं या कुछ और गुड वे से उनसे बात करें जिससे ये है कि पेरेंट्स चूँकि रोल मॉडल होते हैं और बच्चे हमेशा उनको फॉलो करते हैं सो सपोर्ट योर चाइल्ड्स एजुकेशन अब ये देखें इस तस्वीर में आपको ये एक पूरा प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि किस तरह आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं उसकी एजुकेशन में तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो घर में एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें फिर नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट बच्चों को खेल ही खेल में उनको कुछ चीज़ें सिखा दें और रेगुलर कम्युनिकेशन विद टीचर्स और टीचर्स के साथ राबता रखें फॉरेन कंट्रीज़ में यह है कि पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बनी हुई हैं पेरेंट्स की एसोसिएशन मदर्स की एसोसिएशन बनी हुई हैं जो स्कूल के साथ क्लोज कांटेक्ट रखती हैं और वो बच्चे रेगुलरली uh, टीचर्स के साथ मिलते हैं और अपने बच्चों के बारे में उनकी हैबिट्स और उनकी जो चीज़ें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक वो उनसे बातचीत करती रहती हैं और फोर्थ नंबर पे इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस तो क्वेश्चन बेसिकली इट्स अ की टू लर्निंग जब तक कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करता इसका मतलब है ही आर शी इज़ नॉट लर्निंग और सेट अ गुड एग्ज़ाम्पल तो गुड एग्ज़ाम्पल्स पेरेंट्स अपने रोल मॉडल से अपने सेंटेंसेस से अपने वेल well मैनरजम से उनके साथ में गुड एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं अब रोल ऑफ सिबलिंग्स जो आपके बहन भाई हैं उनका क्या रोल है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से तो ओल्डर सिबलिंग्स कैन सर्व एज अ लैंग्वेज मॉडल्स तो जो बड़े बहन भाई हैं वो भी लैंग्वेज मॉडल्स के तौर पर बच्चों के लिए काम कर सकते हैं एंड प्रोवाइड एक्सपोजर टू मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स वो बच्चों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा स्ट्रक्चर्स फ्राहम कर सकते हैं एंड वैकेबलरी और उनकी वैकेबलरी भी डिवेल्प कर सकते हैं सिबलिंग्स में आल्सो इंगेज इन लैंग्वेज प्ले एंड कन्वर्सेशन तो लैंग्वेज प्ले के साथ और कन्वर्सेशन के साथ वो उनमें बिज़ी होते हैं मसला कि आप लैंग्वेज का कोई ए, उनकी जो वैकेबलरी में ऐड करने के लिए उनमें कोई कट कंपटिशन करा दें या कुछ इस तरह की चीज़ें उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको सीखें और विच कैन हेल्प यंगर सिबलिंग्स डिवेल्प देयर लैंग्वेज वेल इससे छोटे बच्चों की जो लैंग्वेज है वो डिवेल्प होगी अब सिबलिंग रोल्स के हवाले से ये देखें पिक्चर में आपको कुछ हेडिंग्स नज़र आ रही हैं प्ले मेट्स एंड कंपेनियन जो आपके प्ले मेट्स हैं आपके साथ खेलते हैं वो टीचर्स एंड लर्नर्स तो टीचर्स और लर्नर्स जो इनका भी रोल है और प्रोटेक्टर्स एंड डिपेंडेंट्स जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी रोल है एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करने वाले और रोल मॉडल्स तो ये सारे लोग हैं जो इसके साथ साथ वो मतलब है बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करने में अपना रोल अदा करते हैं रोल ऑफ पीयर्स जो दोस्तों या साथियों का रोल होता है इंटरक्टिंग विद पीयर्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एंड रिफ़ाइन देयर लैंग्वेज स्किल्स तो अपने साथियों के साथ हम जोलियों के साथ लैंग्वेज के लिहाज से इंटरेक्ट करना उनके साथ कन्वर्सेशन करना प्रैक्टिस करना ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स को को बेहतर बनाता है रिफ़ाइन करता है बच्चों की लैंग्वेज को तो चिल्ड्रन इंगेज इन तो बच्चे कैसे होते हैं कोऑपरेटिव प्ले अब कोऑपरेटिव ये होता है कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव का ये फ़र्क है कि कोऑपरेटिव में आप दूसरों की लर्निंग की रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं कोऑपरेशन में जस्ट हेल्प करना होता है कन्वर्सेशन गुफ्तु एंड नगोसिएशन और करना विच ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स ये सब चीज़ें उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करती हैं कंट्रीब्यूट करती हैं